हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा तरीका जिससे आप अपने बच्चे की बोलने में मदद कर सकते हैं, आप उसको अच्छी तरह बोलना सिखा सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अपने 8 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे को बोलने में कैसे मदद कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कि 1 साल का होने के बाद आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से सही तरीके से बोलना कैसे सिखा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यह YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके इशारे भी बदल जाते हैं। इससे पहले उसकी भाषा को, उसके इशारों को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका बच्चा 1 से 1.5 साल का हो तो वह बहुत ही अच्छी तरह आपको बातें समझाना शुरू कर देगा। इस समय में उसके दिमागी विकास के साथ साथ उसके बोलने का तरीका और उसकी भाषा भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। वह ऐसी भाषा और ऐसे इशारे यूज करना शुरू कर देगा जो उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे और उसकी बातों को आसानी से समझ भी पाएंगे। इस स्टेज पे बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जैसे कि ऐसे खेल खेलना जिनमें उनको सोचना पड़े, वह सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि ये कैसे करना है। कुछ शब्द उनको समझ आएं जिनसे कि वह यह बता सकें कि वह करना क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। कुछ सेंटेंस जैसे कि इधर आओ या बैठ जाओ, ये भी बच्चे धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। वह चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे और आपको बताएंगे कि उनको कोई चीज़ चाहिए। वह बड़ों की तरह इशारे करेंगे, जैसे कि हाथ हिलाना या पैर रोल रोल से मारना, जैसे कि फ़ोन करना। वह बच्चों बड़ों को देखकर ये चीज़ें भी इस उम्र में सीख जाते हैं। तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं इन सबको बोलने में, उनकी भाषा में आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, यह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है, अपने बच्चे के साथ एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कीजिए। अपने बच्चे के साथ ऐसे बात कीजिए जैसे कि वह बड़ा हो गया है। इस उम्र के बच्चे यह समझ पाते हैं कि आप उनको क्या कह रहे हैं और वह आपको जवाब देने की बहुत कोशिश करेंगे। कई बार बोल के या फिर इशारे करके एटलीस्ट वो कोशिश तो ज़रूर करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी बातें करना उनसे शुरू करें, जैसे कि उनसे बात करना कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद। और जब भी वह आपको जवाब दे रहे हैं तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए और उसका जवाब भी आपको ज़रूर देना है। वो जब कोई भी शब्द बोलने की कोशिश करें तो आप उनका साथ दें, और अगर वह ये शब्द गलत बोल रहे हैं तो बार बार रिपीट करके उनको बताएं कि सही तरह से इसको कैसे बोला जाता है। दूसरा तरीका है, उनके लिए रीड करें, यानी कि बुक्स पढ़ें, पढ़कर उनको सुनाएं। यह बच्चों को सिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको किताबें पढ़कर या कोई भी चीज़ पढ़कर सुनाएं। इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखेंगे। आप यह उनके साथ बार करके कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चे की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसको इम्प्रूव करने का, कि आप उनके सामने बैठकर, उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें जो उनके बच्चों को समझ आएँ, जो उनके उम्र के हिसाब से हों, जिसमें पिक्चर्स भी हों, ताकि वह इस चीज़ को देख के भी समझ पाए। पिक्चर्स देखने से वह आसानी से इन चीज़ों को याद रख पाएगा, उसका नाम क्या है वह उसको उससे जोड़ पाएगा और धीरे धीरे उसको बोलने की कोशिश भी जरूर करेगा। रोज़मर्रा के यूज़ होने वाली चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करें। अपने बच्चे को रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि फ़ोन है, घर का सामान है, उसके साथ उसको फैमिलियर करें। इसका मतलब यह है कि उसको बताएं कि ये चीज़ ये है और उसको उसका नाम याद करवाएं। उसको बार बार हेलो कहने को कहें, बाय कहने को कहें, जिससे कि धीरे धीरे वह शब्दों की प्रैक्टिस करेगा। अपने बच्चे को सिखाएं कि छोटे छोटे शब्द कैसे बोले जाते हैं, जैसे कि मेज़ है, कोई उनका खिलौना है, पेंसिल है। उनको हर चीज़ का एक नाम ज़रूर बता के सिखाएं ताकि वह इसको याद कर सकें और वह अपने दिमाग में इसको उस शब्द के साथ जोड़ सकें। बच्चों के लिए बोलने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है। जितना हम समझते हैं बच्चों के लिए बोलना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ को अपने दिमाग में उसको याद करके उस शब्दों के साथ जोड़ना होता है। इसलिए आपको उसमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आप जब भी अपने बच्चे के साथ हों तो उसको छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर सिखाएं, उसके साथ बातें करें,
उसको बताएं, उससे पूछें, उससे पूछने की कोशिश करें, जिससे कि वह बोलने की कोशिश भी ज़रूर करेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।